तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद तनासरी महला पंजवां औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत रहा मन बिलास भय साहब के अचरज देख बड़ाई हार सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई प्रभ पूरन पैज रखाई। परम सम्मान योग गुरु प्यारी सत्संग जीओ सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने बहुत प्यार नाल सत्कार योग भाई साहब होना दे जत्थे पासों सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है। छोटा बच्चा परिवार का जोरावर सिंह जो पिछले साल उस अकाल पुरख वालों बख्शी हुई सुवासां की पूंजी अनुसार शरीरक तौर पर सदा ली इस फानी दुनिया नू अलविदा कह गया पर जाना सारिया ने पर कुछ बच्चे कुछ समाज के लोग ऐसे होंगे ने जिहड़ी अपनी पहचान अपने गुणा करके अपनी चंगी आदतां करके समाज विच छड़ जांदे ने। वेखो तुहाडे कोल दो रस्ते होंदे ने जिंदगी विच दुख सुख हर कदे आउणा है। इंसान की जिंदगी विच दुख आवे जां तां डोल जाए ते जां अपने आप नूं तगड़ा कर लवे रस्ते दो ही ने। जदों दुख ते सुख की गल आउंदी है बाणी का बहुत प्यारा वाक है एक कपड़े ने दो जिहड़े प्रिपेयर हो जांदे ने पौना हर एक नूं पैणा है। जिहड़ा प्रिपेयर हो जांदा है वह तैयारी रखदा है। इहनूं बाणी च इंझ वी लिखिआ वी अगों दे जे चेतिआ तां कायत मिलै सजाए। जिंदगी विच घटनावां वापरदियां ने दुख सुख आउंदे ने इह तां असीं कदी वी नहीं कह सकदे साडी जिंदगी च दुख ना आवे इह जिंदगी दा इक हिस्सा ने। हाँ अपने आप नूं इन्ना तगड़ा रखना है कि महाराज मैनूं इन्ना बल बख्शी मैं खुशी वेले उछलां ना दुख वेले उलामा ना देवां। बस इन्नी कु साडी तैयारी उस अकाल पुरख की बाणी मुताबक गुरु सिद्धांत मुताबक होनी चाहीदी है। परिवार ने पूरे 13 महीनों बाद अपने बच्चे की मिठी प्यारी याद में अज का समागम लिखा है। एक बहाना है कि वो बहाने बाणी की विचार गुरु का उपदेश गुरु के सिद्धांत को समझना कि साड़ी जिंदगी असी अपने आप को किदां तगड़ा कर सकी किवें असी मजबूत कर सकी किवें असी गुरु के उस मिठे प्यारे भाणे को अपनी जिंदगी हंडा सकी
ते अपनी रहिंदी जिंदगी अपने परिवार दे नाल असीं किवें तगड़े होकर गुरु की गोद विच बिताउणी है, ये उपराला परिवार ने सोहणे तरीके नाल संगत दे सहयोग नाल कीता। आओ बाणी दी विचार नाल बड़े प्यार नाल जुड़न तो पहला अदब सत्कार नाल जिवें तुसीं लाइव घरां च बैठे भी सरवण कर रहे हो, गुरु दरबार अंदर बैठ के भी सरवण कर रहे हो, आओ विचारां दी रमता तो पहला बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का पावन वाक आपां बहुत प्यार नाल सरवण कीता। ये पावन शब्द तनासरी राग विच 682 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभायमान है। गुरदेव दे पावन वाक ने प्रभ सिउ लाग रहे हो मेरा चीत, मेरा जिहड़ा चित है जिहड़ा मेरा मन है वह प्रभु नाल उस मालिक नाल उस सच नाल वाहिगुरु नाल जुड़ गया। आद अंत प्रभ सदा सहाई, जिहड़ा हर वक्त साडा सहाई है, साडा मददगार है। धन हमारा मीत, वह मददगार भी ऐसा है कि वह साडा बड़ा काबिल मित्र है, हर वक्त साडी सहायता करता है, मदद करता है। जो समाज के विचों दुनियावी आसरे खत्म हो जाण, जां इंज कह लो भी जो मनुख की जिंदगी विच दुखां दियां पंडां खुल जाण, उदों एक आसरा है। जो बाणी च पढ़ते हुणे आपां बड़ा प्यारा बचन पढ़िया भगत कबीर जी दा, तू मेरो मेर परबत स्वामी। दुनिया दे सारिया पर्वतों विचों सुमेर पर्वत वड्डा मन्निया गया, तो भगत कबीर जी कहिंदे हे अकाल पुरख वाहिगुरु, जिवें दुनियावी पर्वतों विचों सब तो वड्डा सुमेर पर्वत है, इदां ही मैं भी अपनी जिंदगी विच दुनिया के सारे आसरिया नालों मैं तुहानू अपना आसरा वड्डा मानदा। तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, इस करके मैं तुहाडी ओट गही है फड़ ली है, क्योंकि मैनू विश्वास है ना तुम डोलो ते ना हम गिरते, ना तुसी डोलना है ना तुसी मैनू डिगण देना है। रख लीनी हार मेरी, अब तब जब कब तू ही तू ही, पहला भी हुण भी अगे भी हर समय, हम तो प्रसाद सुखी साधी। मालक जे साडे कोल अज कोई सुख सहूलत है इहदा सिरा तुहानू जांदा है। हुण धन गुरु अर्जन साहिब महाराज इत्थे बहुत प्यारा, अहीं समाज विच रहिंदे आं, आपां जदों किसे घर घटना वापरदी, हुण ध्यान नाल सुणियो, जवान पुत्र दुनिया तो चला जाए, दो किस्म के परिवार तुहानू समाज विच मिलणगे। किसे दा 20-22-25 साल का पुत्र दुनिया तो चला जाए, उहदी अखां गाड़ी हनेरा आउंदा, उहनू पुछिया जांदा भाई किद्दां है, ते इह शब्द बोलदा है किहदे नाल रब दिंदा ना जे लै ही जाणा सी ते। पर एक बाप दूजा है जिहड़ा कहिंदा नहीं, मैं उहदा धन्नवाद करदा, उहदा शुकराना करदा, उहने 20-21 साल ते खेडण लई दे दित्ता, जे इह वी ना दिंदा ते मैं की कर सकदा सी, तरीका है ना। एक वो बाप है जिन्हें गल ही ढेंदी कला की कर दी, भी जे लै ही जाना सी इहदे नाल मैनू दिंदा ही ना। एक दूजा बाप भी उस समाज विच रह रहा है जिहड़ा बाणी दा ओट आसरा लैके इह कहिंदा नहीं नहीं मैं उहदा शुकराना करदा, उन्हें मैनू 15 साल 16 साल 20 साल 25 साल समाज विच जदों तुसीं वेखोगे तां बहुत प्यारा बचन। जदों असीं एक बाबा फरीद जी होए ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च, एक बाबा वजीद जी होए ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं है, पर उन्हां दे दोहरे बड़े कमाल दे, एक ना दे घर पुत, पुत्तां दे घर पोतरे, एक ना दे घर धियां, धियां दे घर दोतरे, भी एक ना दे घर पुत वा ते पुत्तां दे भी अगे पोतरे ने, भी पुत्तां दे भी अगे पोतरे हो गए ते दादा बैठा पड़दादा बैठा वेख रहा, एक ना दे घर धियां, धियां दे घर दोतरे, धियां दे भी अगे दोते हो गए ने ते नाना जी पड़नाना जी बह के वेख रहे ने, एक ना दे घर एक वह भी जाए मार वजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। समाज भी तुहानू दो किस्म दे, साडे कोल सब तो वड्डा मन नूं हौसला देने वाला उपदेश बाणी दा, आ 5-7 मिंटां विच असीं अरदास दे पहरे बोल जांदे आ, पर कदी उहदी गहराई च गए आ? 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के सारे बोलो देख के अंडिठ कीता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। अगला पहरा जिन्हां सिंघां
हुण इह शब्द बहुवचन है जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मेत सीध ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुआईआं चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। हुण इह पहरे दा की मतलब है कि जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख लो के अरदास दे पहरे बोलदा ना ते मेरी दिमाग च गल आउणी चाहीदी है मालक जी जिवें उन्होंने बंद बंद भी कटा लिया खोपरियां भी लवाईया पर अपना विश्वास नहीं रुलाया मेरी जिंदगी भी जे कि इम्तिहान की घड़ी आई मैनू भी सदके इन्हां वर्गा बख्शियो मेरे अंदर भी भरोसा इन्हां वर्गा आवे ये ना हो मैं माड़ी जी घटना वापरे तो कल मैं डोल जावां। आपां नूं किसे नूं नहीं पता हुणे बच्चे ने एकम सिंह बच्चे ने पढ़े सी ना हुणे पवणे मैं पवन समाया ये पांच तत्त तू पढ़े लिखे मेरे भैन भरा बैठे हो तुसी शरीर की है पांच तत्तां नूं कठिया कीता है अग है हवा है पानी है धरती है जदों मिट्टी कहने आपां आकाश इकट्ठे कठे ने एक एक शरीर ढांचा बनिया हजूर बाणी हुण असीं इहनूं मौत कहने पर बाणी पता की कहिंदी बाणी कहिंदी तत्त अपने तत्तां विच जाके मिल गए ने ढांचा डिगा है। हुण बाणी नूं ध्यान नाल समझो पवणे मैं पवन समाया सारे बोलो नाल नाल पवणे मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी रोवण आ रहे की कम कहिंदे केड़ी चीज नूं टेक रख के तुसीं रोवोगे भला हवा मरी है अग मरी है पानी मरिया है मिट्टी की डैथ हुई है कहिंदे ढांचा डिगा है जिवें बिल्डिंग हुंदी है ना दस मंजिली पांच मंजिली घर बनाउने आपां घर जदों ढहिंदा है वह ढांचा डिगदा है मटीरियल की मौत थोड़ा मटीरियल जिथों आया उत्थे ही है वह कट्ठा कीता फिर कट्ठा हो गया फिर आया अज जदों आपां वेखदे आ हुण इस असलीयत नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पता सी नहीं तो साहिबजादियां दीआं लाशां दे लागों दी लंघणा दो पक्ष ने ना विरोधी यह भी कह सकता बाप वाला दिल नहीं सी हैगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर पर दूजा पक्ष यह भी है महाराज नूं असलीयत का पता है उन्हें फर्क नहीं जाणिया सिखां विच ते अपने साहिबजादियां दे विच साडा इतिहास बड़ा गौरवमई है इत्थे छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके गलों में मावां के हार पाए गए अज भी जिहड़े तुहाडे चों कदी पाकिस्तान गए होणगे वड्डी उम्र के बजुर्गों को पता होना लाहौर गुरद्वारा है सिंह सिंघणियां का गुरद्वारा जिथे छोटे छोटे बच्चों के बीबिया के टुकड़े करके गलों में हार पाए गए सवा सवा मण कणक का उन्होंने आटा तैयार कर ली दिता गया खनी खनी रोटी तो उन्होंने गुजारा कर ली कहा गया पर वो सारा कुछ अपने पिंडे ते हंडा के भी ये शब्द बोल दिया सी हे अकाल पुरख वाहगुरु चार पैर दिन सुखां दा बतीत होया चार पैर रहण आई सुखां दी बतीत करनी दुश्मन नूं कंबणी छिड़ गई भी कमाल की गल है जे ये उन्हां मुताबक सुख है फिर दुख की है। हुणे आपां शब्द पढ़िया औखी घड़ी ना देखण देई ये शब्द किहनां दा गुरु अर्जन साहिब दा भी वह अपने सेवकां नूं औखी घड़ी वेखण दिंदा ही नहीं अपना बिरध संभाले अपने बिरध दी संभाल करदा है तो दूजा पासा यह भी है तत्ती तवी ते गुरु अर्जन साहब जी बैठे जिन्हों का शब्द है देग विच उबाला भी खाधा है शीश से तत्ता रेता भी पिया है किसी पत्नी का पति उहदे पुत्र की उम्र दस बारह पंद्रह साल की हो चढ़ाई कर जाए समाज के मुताबिक दुख हैगा कि नहीं हैगा तुसीं आपे हिसाब ला लो ते माता गंगा जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज का 1595 का प्रकाश है 1595 का 1606 के गुरु अर्जन साहब शहादत का जाम पीते हैं 11 साल की उम्र है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जदों गद्दी ती सुशोभित होंदे ने किन्ने साल दी 11 साल दी ते 11 यानी कि 11 साल दे सी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जदों सिर तों गुरु अर्जन साहब महाराज का पिता के तौर पर साया उठ गया माता गंगा जी के सिर के केस काले ने हुण आपां भैणां बेलियां बैठियां ने सोचो एक बार पुत्र की उम्र के 11 साढ़े समाज में पुत्र का आनंद कारज होने वाला हो आनंद कारज हो गया हो बाप की डैथ हो जाए ना ये कहे हूँ ही तो वेखण का समा सी रब्बा एडा वड्डा लोहड़ा मार दिता हाय रब जी एडा वड्डा धक्का कर दिता हाय रब जी एडा वड्डा जुलम कमा दिता असी माफ करना असी सवेरे उठ के निरभउ का पाठ करने वाले सवेरे उठ के निर्वैर का पाठ करने वाले जो असी किसी घर अफसोस कर जाने ना ये शब्द साढ़े मूँह से चढ़े ने बड़ा जुल्म कमाता रब ने रब बड़ा रब ने लोहड़ा मार दिता सवेरे पढ़िया नरवैर हुण लोहड़ा मारन वाला रब किदां हो गया सवेरे जां ते उहदे अर्थ नहीं पता जां असी माफ करना सी मकैनिकल रैपीटेशन जिवें चाबी भरी बस काम निबड़ गया
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਏ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ ਜੋ ਜੈਸੀ, ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਭੰਨਣ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਕਿਸੋਂ ਬਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਘੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਿਆ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਮਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ DSP ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓ ਲੰਘਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ DSP ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਏਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪੇ ਕੱਢ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਉ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਿਸਾਨ ਐਂ ਉਧਰੋਂ ਭੜੋਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਣਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਈ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।
उन्हें तो ड्रम धोते से ना उ पैसे भी दो दिन पहला आड़ती को चक के लिया हो गया। जिंदगी घटनावां वापरनियां ने, मुश्किल आनिया ने, दुख भी आना सुख भी आना। तू सुख उछली ना दुख वे उलामा ना दे। मैं थोड़े सामने दो एग्जाम्पल दी, दो एग्जाम्पल। एक बाप के पुत्र की डैथ हुई 20-22 साल देनूदे को अफसोस कर गए। वह कहें रब दिता ही ना जे ले ही जाना सी। कि बाप से जो बाणी नहीं सी है। एक वह बाप है जो को बाणी है, बाणी का खजाना है। उन्होंने किसी ने कहा बड़ा माड़ा होया ए रब दिता ना, तो ना ना यह शब्द ना बोल। कहता क्यों? कहता मैं वह धन्यवाद करदा कि उन्हें मैं 20-22 साल 10 साल 15 साल खेडन लिए दे दिता। जे ये भी ना दिता तो मैं की कर सकता सी। यह तुहाड़ी जिंदगी जीउण दा ढंग, एक तरीका। हुण असीं असीं अफसोस करन जांदे आ। तुसीं आप सारे गृहस्थी बैठे हाँ, आप जो किसी के घर खुशी दे जांदे आ, अगला सानूं चेयर दिंदा, साढ़े गले मठियाई का डब्बा रखता, बिस्कुट रखता, नमकीन रखता, मूँह मिठा। असी इसे मूँह ना वधाई दे के आने, उदन असी खुश हाँ, साडा घर भी खुश है, साडियां लाइटां दसदियां, डेकोरेशन दसदी है, अज इहदे घर खुशी है। जदन साडे घर च गमी हुंदी है उदन साडा घर भी गमगीन हुंदा है, उदन दरियां विछदियां ने। पर उस वक्त ही शब्द की बोलते हैं, साढ़े को शब्द ने। रब ने लोड़ा मार दिता, रब ने धक्का करता, भैने रब ने जुल्म कर। माता गंगा जी दे साहबजादे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी 1595 का उन्हों का जन्म है छाटा साहब का। तो 6 गुरु अर्जन साहब जी शहादत का जाम पी जाते हैं। यदा मतलब 11 साल की एज सी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की। तो माता गंगा जी की कितनी एज होएगी? कोई आण के कहे हाए भैने तेरे पति ने इन्ना पर उपकार किया, तेरे सिर तो साया उठ गया। किन्ने अडोल होणगे माता गंगा जी, जिन्हें महान धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने। माता गंगा जी की महानता कितने घट थोड़ा, उन्हां दी महानता कितने तुसीं फिक्की पा दिओगे? किड्डी वड्डी तैयारी सी। तो दूजी बेनती होर करां, ध्यान नाल सुणिओ। कई बार लोग यह कहणगे यह मोह बस गद्दी अगे चलती रही है। जे मोह बस हुंदा ना तो फिर गुरु अर्जन साहब नूं पता सी इस तखत ते बैठ के जे मैनूं तत्ती तवी प्राप्त होई है मैं किसी होर दे साहबजादे नूं इत्थे बिठा दियां, आपणे नूं बिठाया। यह कोई अजोकी लीडरशिप थोड़ा है कि लोगों के पुत मरवा के अपने सेफ जोन च कढ दिओ। ना 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 ना, यह वो लीडर सी, वह कमाल दे लीडर सी, वो एडे काबले तरीफ लीडर सी कि जे समाज में चुनिया। जिदन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी को पता है कि 1606 दे विच मैनू तत्ती तवी ते देग विच उबाला खाना पिया, किसी होर दे साहबजादे नूं बिठा सकते सी, पर नहीं, शुरू तो तैयारी कराई। बाबा बुढ़ा जी वर्गी शख्सियत गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं बाणी दी संथ्या कराउंदे ने, उन्हां दी ट्रेनिंग हो रही है बकायदा। तो पता है कि जंग बड़ी लंबी है। ये सिर्फ घटनावां साखियां, ये बबाणियां कहानियां, पुत सपुत करेन। पर अज साडे घरां जो इतिहास गवाच गया, साडे घरां जो बाणी गवाच गई, बाणी दी विचार गवाच गई। क्यों? क्योंकि असीं इस बन्ने तुरे ही ना, मन खोखड़ा हो गया साडा। साडियां मावां ने किन्ने सैकड़े बच्चे विदेशों में, अज किन्ने गए ने, किन्नियां दियां रोज़ घटनावां आ रही ने। किसी बच्चे नूं हार्ट अटैक हो रहा आपां वेख रहे हैं, एक दो खबरां रोज़ आ रही ने। कारण प्रैशर, असीं दौड़ विच लग गए। अपने दिमाग नूं ठंडा रखिए, इहनूं प्रैशर कुकर ना बनाइए। आ जिहड़े सैलेंट अटैक आ रहे ने, वजह की? साडी खुराक सही नहीं है, साडा वेखणा, साडा सुनना। असीं चमक दमक, असीं रेस विच पै गए, हाए वो अगे लंघ गया मैं पिछे रह गया। नहीं, मैं कहना बड़ी वड्डी परिवार की दलेरी है कि अपने बच्चे दे ना पलां नूं गुरमत दी रंगत दे रहे ने। नहीं तो लोग गमां विच अपने आप नूं तोड़ लैंदे ने। साडे गोइंदवाल साहब एक डॉक्टर पूरी हुंदे सन, उन्होंने 84 दे विच केस रखे। वह हिंदू परिवार नाल संबंध रखते सी ते उन्होंने बेटे, उन्होंने अपने बेटे नूं MBBS कराई। खडूर साहब तो गोइंदवाल साहब आउंदे आ, खडूर साहब तो गोइंदवाल साहब आउंदे आ, एन बच्चा कंप्लीट कर चुका अपनी डिग्री। एक्सीडेंट होया, बेटे की डैथ हो गई, बाप सदमा 6 महीने ना सहार सकिया। गल गल यह तुहाड़ी अटैचमेंट की। एक बंदे वह बाप है जिहड़ा कहिंदा नहीं सच्चा पातशाह मैं हर वक्त अपने मन नूं तगड़ा रखना है, मैं अपने मन नूं मजबूत रखना है, मैं अपने आप नूं चढ़दी कला च रखना है। भैणां वास्ते भी चुनौती। जिदन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे सौरा साहब मैदान जंग में चढ़ाई करते हैं तो उन्हां दी जिहड़ी सस सदा कौर उन्होंने जाके घोड़सवार जाके दसदा तेरा पति मैदान जंग चढ़ाई कर चुका है।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਾਟ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਹਾਏ ਤੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਗੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਣ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਤਾਂ ਫਿਰ 84 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੜਿਆ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਬਾਲਾ ਖਾਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਗਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਚੌਰ ਚੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਆਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਭੁੱਖ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਤਨ ਦਾ ਮਾਨਸ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਵੈਦ ਪੁੱਛਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਵੈਦ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰੋਂ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਹੋਰ ਉਹ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਰੋਗੀ ਮਨ ਵਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ
आ मानसिक प्रॉब्लम साड़ियाँ मानसिक तौर पर रोग है सानू वेदना भोले दारू लाए दर्द होवे दुख रहे शरीर ऐसा दारू लगे ना पीर खसम विसार आ है खसम विसार खसम की है सच सबना का खसम है खसम विसार किए रस भोग हुण खसम किने पलाया मन ने ते हुण रोग किहनू लगना तां तन उठ खलोए रोग रोग तानू आन चिंबड़े क्योंकि मन ते तन दा डूंगा संबंध है ना खसम मन ने पलाया रोग तानू आन चिंबड़े बस यह आ रोग नहीं वेखण दिंदा जिहड़ा अपने मालक नाल जुड़े औखी घड़ी ना देखण दे गुरु अर्जन साहब कोल ओह दुख नहीं जिहड़ा आपां कहिंदे जो जो दिसिया सो सो रोगी जो जो दिस रहा वह रोगी आ पर रोग रहत मेरा गुरु केड़े रोग तो रहत है गुरु नूं अखां नाल गलत वेखण दा रोग नहीं गुरु नूं गलत सुण दा रोग नहीं गुरु को जबान दे चस्कियां दा रोग नहीं समाज इन्हां रोगां नाल पीड़ित है होमे रोग मानो को दीना काम रोग मैगल बस लीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिस है रोग रहत मेरा सतगुर जोगी जेबा रोग मीन ग्रासियानो मछी फंड वाला समुद्र छोड़ा जाता है वो तो बने बैठा समुद्र दे कुंडी सुट के पर मछी फड़ी जाती आपे ही क्योंकि उन बोटी वेंदी कुंडी नहीं वेंदी थले रोग है ना चस्का नु जेबा रोग मीन ग्रासियानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत रोग का सकल संसारा त्रेबिद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जूनी पर मैं रोग बांध रहन रति न पावे बिन सतगुर रोग कते ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बां पकड़ रोगों कड लया टूटे बंधन सा संग पाया कौ नानक गुर रोग मिटाया गुरु रोग मिटाउंदा ऐदां औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले वो अपने बिरद की संभाल करदा वो अपनी वो औखी घड़ी नहीं वेखण दा अपने बिरद की संभाल करदा ते उहदा बिरद कहड़ा भाई गुरदास जी ने लिखिया भगत वशल सुन होत हुं निराश हृदय मैं तो पहला सुनिया भी भगतां नूं प्यार करदा कहते फिर मैं निराश हो गया क्यों कहते मैं तो भगत है ही नहीं वो तो भगतां नूं प्यार करदा कहते भगत वशल भाई साहब कहते ने मैं कहा भी वो तो भगतां नूं प्यार करदा मेरे च भगतां वाली क्वालिटी कोई नहीं भगत वशल सुन हो तो निराश रहता पतत पावन सुने आसा उर तारो फिर मैं कहूं सुनिया भी पततां नूं पावन भी करदा कहते फिर आस जी बज गई भी नहीं मैं किसे लैण च आ सकदा पहला पता लगा भी वह भगतां नूं भी प्यार करदा कहते फिर मैं निराश हो गया फिर पता लगा वह पततां नूं भी पावन करदा कहते फिर थोड़ा जिहा हौसला बच गया भी नहीं मेरी वारी आ सकती है कहते फिर मैं पता लगा भी जे मैं जे कर्मां ते नबेड़ा करदा तो मेरे को कर्म ही चंगा है नहीं अपनी करनी कर नरक हूं पाऊं ठौर पर तुमरो बिरद कर आसरा समारो फिर मैं पता लगा नहीं वो लेखे लुखे हिसाब किताब नहीं वेंदा अपने बिरद वाल वेंदा लेखा छोड़ अलेखे छूटे महाराज हुणे गुरु साहब का वाक किड्डा प्यारा कहते महाराज जे साडे लेखेकार लग पे ना एक दी भी वारी नहीं आउणी असीं भी चंगे बने तुर सकीए पर लेखा ना करो अपने बिरद वाल वेखे अपने सुभाव वाल वेखे अपने सुभाव वेखो तुहाडा सुभाव मोढक दी मां दा बख्शिश करन वाला है लेखा कितें ना छूटिए खिन खिन भुल ना लेखा छोड़ अलेखे छूटे हम निर्गुण लिहो उबारी असी निर्गुण असल च गुण कोई नहीं है औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे हुण रब ते निराकार है ते हाथ वास्ते ते जो तुम किनू हाथ फड़ाओगे तो अगले का हाथ होगा थोड़ा हाथ फड़ेगा ना इतने तो रब निराकार है आप रोज पढ़ने रब निराकार सह सब नैन है ना नैन है तो एक फिर हाथ दे दा की अर्थ होया जिवें आप अपनी एक भाषा शब्द नहीं बोलते कानून के हाथ बड़े लंबे होंगे तो कोई बंदा कहे जी लियाओ कानून के हाथ विखाओ मैनू कहे क्यों साहस जी कोई आप पुछिए भी कानून के हाथ बड़े लंबे होंगे कोई कहे जी विखाओ मैं कानून के हाथ विखना चाहना विखा सकते जब आप कानून के हाथ कानून से बड़ा कुछ आता अदालत कानून चाहेगी वकील आएंगे पुलिस प्रशासन आएगा वकील का बहुत जड़ा जड़ा कानून है वह कई रूप ने परमात्मा के फिर कई रूप हुए ना दुध इको चोईद मझ गां के थल्यों डेयरी तक जाते किन्ने रूप बन जाते खोआ है पनीर है मखण है इको दुध के किन्ने रूप बन गए मालक लक्कड़ इको या रूप किन्ने बन गए खिड़की है दरवाजा है किन्ने रूप बन गए इको मालक है औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे हाथ की है वह सिद्धांत गुरपुरे मेरी राख ली अमृत नाम
हृदय में दिनों जन्म जन्म की मैल गए। हाथ दे रखे अपने को, हाथ दे को अपने रखता है, पाव अपना सिद्धांत दे के, अपनी सिक्ख्या दे के, अपना अपने मालक की यह बख्शिश कह लो। हाथ दे रखे अपने को, सास सास प्रत पाले, किवें प्रत पालता है, जिवें आपां शरीर नूं पालण लई रोटी खाने आ, खुराक खाने आ, मन नूं पालण लई गुरु कोलों गुणा दी ऑक्सीजन मिलदी है। मृतक को पायो तन सासा, विशरत आण मिलाया, जिवें मुरदे नूं जदों बंदा डेड हुंदा है सवास नहीं मिलदी उहनूं, आपां कहिंदे हम आदमी है एकदमी, जिवें इदां कह लो आपां रोज पढ़दे पवन गुरु पाणी पिता, की साडा हवा गुरु है? सानू कोई कवे जी तुहाडा हवा गुरु है? नहीं, इहदा मतलब है शरीर नूं जिउंदे रखण लई जिन्नी ऑक्सीजन जरूरी है, मन नूं जिउंदे रखण लई इन्ना ही गुरु जरूरी है। तन नूं ऑक्सीजन ना मिले तन डैड, मन नूं गुरु दा ज्ञान नहीं मिलेगा ते मन डैड। सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक, अवर ना जीवै कोई, कदे होर थोड़ा कुछ जिउंदा, जिउंदा उह आ जिहनूं गुरु कोलों गुणां दी ऑक्सीजन मिलदी है, गुणा का ज्ञान मिलता है। हाथ दे रखे अपने को, हाथ दे के अपने रखता है, सास सास प्रत पाले, वो स्वास स्वास अपने बच्चे दी, अपने सिख सेवक दी गुणा नाल उपदेश नाल प्रत पालना करता है। किवें? तुम दाते ठाकुर प्रत पालक नायक, ये गुण ने नायक, खसम हमारे निमुख निमुख तुम ही प्रत पालो, किवें हम बारिक तुमरे तारे, जेवा एक अहीं बच्चे मालक जी तुहाडे, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह ना जाई, सार संभाल माता मुख नीरे, तब वो तृप्ता गाई। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले। हुण जिवें एग्जाम्पल देण लगा मैं, ध्यान नाल सुणे, सौखी समझाणी आपां। गड्डी विच सेफ्टी बेल्ट लगी है, आपां ला के ड्राइव करदे आं, एक्सीडेंट होया रस्ते, गड्डी चकना चूर हो गई, बंदे बच गए, की आने भाई हाथ दे के बचा गया, कौन? मालक। मालक किवें बचा गया? तुसी सेफ्टी बेल्ट लाई, एयरबैग खुल गए, गड्डी पूरी डैमेज हो गई, तुसी अपने आप नूं बचा लिया। कितें ना कितें जिन्हां ने यह सेफ्टी बेल्ट विच लाई सी, तुसी उन्हां दी गल मन ली, तुहाडा मत्था बच गया, नहीं तो हजारां जानां इन्हां गल्लां करके भी जा चुकियां ने कि टाइम सिर असी बिल्ट, पिछला बंदे दी डैथ हो गई, अगला बच गया, उहदा सिर पिलर दे नाल जाके वजा, पर साडे दिमाग च यह बैठी है शायद यह सेफ्टी बेल्ट पुलिस वालों वास्ते लाई है, असी पुलिस वाल नूं वेख के खिंचना शुरू कर दें, पर नहीं, ये मेरे लिए लाई है, ये मेरे वास्ते लाई है। जदों मैनूं यह समझ लग गई कानून किवें किवें उह मालक साडी रक्षा करदा, अंदर बैठा तुहाडी किवें राखी करदा, राखा एक हमारा स्वामी, बोलो सारे जी, राखा एक हमारा स्वामी, की मतलब है? मतलब है मेरे अंदर बैठा और वाहगुरु राखा, जिदन मैं उदी अपने अंदर आप राखी कर लग पिया, आपा शब्द पढ़े, संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी, कोटवार दा अर्थ की है कोतवाल, कोतवाल किहनूं कहिंदे? थानेदार नूं। जिवें किसे शहर च थानेदार रात नूं पट्रोलिंग क्यों करदे आ, घूमदे क्यों आ, कि साडे शहर च रात नूं क्राइम ना होवे, साडे शहर दे लोक रात नूं सुखी चैन ना सौण। जिदन बंदिया तू अपने इस शहर का पेट्रोलियम खुद कर लग पिया, आप दरोगा बन गया, तेरे इस ब्रेन च क्राइम नहीं होएगा। संतां मानो दूतां डानो, दूतां नूं डन देवेगा तो चंगे लोगों नूं कहेगा सौ जाओ, गुणा नूं कहेगा आ जाओ, तो दूतां नूं डन देवेगा। ए कुटवारी ए कोतवारी मेरी, दिवस रैण तेरे पाम पलोसो, केस चवर कर फेरी, हम कुकर तेरे दरबार, भौंके आ गए बदन पसा। बस चेता रखना, जिदन असी राखी अपनी आप कर लग पे, उदन जीव खूबसूरत बन जाएगा। औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरध संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत, मेरे अंदर बैठे उस मालक ना मेरा चित जुड़ गया, हुण समझ आ गई आद अंत, प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत, मन बिलास कदों भय साहब के, इतने रुकना है, मन विलास, मन में खुशियां आ गई, चा आ गया कदों? जदों मैं साहबदा हो गया, मन विलास भय साहब के, अचरज देख वडाई, हुण मैं उहदे कौतक वेख वेख के, उहदी मिठास वेख वेख के, उहदे गुण वेख वेख के मैं हैरान हो जाऊंगा। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हे मालक मैं उहनूं याद कर करके उहदे गुणां नूं जिंदगी च वसा वसा के मैं खेड़े च आ जाना। सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, उस मालक ने मेरी पैज रख ली, मैनू बुराई तो बचा लिया, क्रियाचार करें खटकर्मा, इतराते संसारी।
मैनू जिवें संसार दे लोक किरिया वहमां भरमां विच फसे पए सी, मैनू मालक ने बचाया। किरिया चार करें खट करम इतरा ते संसारी, अंतर मैल ना उतरिया मैं। बिन गुर बाजी हारी कोट मध्य को विरला सेवक, होर सगले बिहारी मेरे ठाकुर रख लिओ कृपा तारी। तुसीं मैनू रख लिया, मैनू बचा लिया। आओ साध संगत जी, जिंदगी विच किसे दा जाना, किसे वड्डी उम्र दा भी जाना, कोई बजुर्ग जावे तो भी। कई बार साढ़े घर च ना बजुर्ग मंजे ते लम्मा पिया हुंदा, सानू जीउंदे जी लगदा भी इह ते जगह मल के बैठा है, पर जदों उहदे जाण तों बाद सरदार करम सिंह सटोरिया ने लिखिया, कहिंदे मेरी जिंदगी जदों कोई बजुर्ग जांदा सी ना उदों मन नूं झटका ज्यादा लगदा सी। किसी ने पुछिया वह क्यों, कहिंदे जिहड़ा 70-80 साल का बजुर्ग गया वह कला थोड़ा गया, इतिहास नाल लिखे गया जो उहदे कोल मैं बह के सीखना सी, जो गुण, क्योंकि उहदे नाल 70-80 साल की हिस्टरी भी तो जुड़ी हुई सी ना। तो बड़ा औखा हुंदा है जिंदगी जदों समा आउंदा है, पर मैं फिर भी अपने वालों ये समझदा कि सत्कारयोग भैन जी होना ने, समुचे परिवार ने, ये अपने आप नूं गुरबाणी नाल जोड़न दे करके गुरु के उपदेश नूं समझण वास्ते, ते समाज विच जदों इदां दीआं जिहड़ीआं जिस वहन च समाज वह रहा होवे, तो उल्टी दिशा वाले बने जदों तुसीं काम करना है, तुहानूं विरोध का सामना भी करना पैंदा है, तुहानूं कई प्रकार दीआं गल्लां भी सुणनियां पैंदियां ने, पर तगड़े होना पैंदा है कि भाई मैं गुरु के रस्ते ते तुरिया, मैं चंगा काम कर रहा, गुरु के मार्ग से तुरना, गुरु के उपदेश नाल तुरना, गुरु के सिद्धांत नाल तुरना कोई माड़ी गल नहीं। आओ गुरु बख्शिश करे। वीर छोटा बच्चा जोरावर सिंह, शरीर तौर पर वेखो आप सारे जाना, को आज चला जाए को कल चला जाए, जाना सारिया ने, इतने कोई धर्मी है चाहे कोई अधर्मी है, ना कोई रहा है तो ना किसी ने रहना है। बनदा वाक है रहन ना भावें सुर नर देवा, ऊठ सुधारें कर मन जन सेवा, जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, साध संगतनी दर्शन पाया। गुरु बख्शिश करे। आओ समुचे परिवार ने अपने बेटे की मिठी प्यारी याद में समर्पित अज का गुरमुख समागम रखे है, जिस विच गुरबाणी का कीर्तन इतिहास ढाडी वीर ने सरवण करवाना है। बड़े प्यार आप जी ने सारिया विचार ध्यान सरवण कीतियां ने, कीर्तन गुरबाणी का जौल साहब सेवा निभा रहे हैं, बड़ी वड्डी गल है। सारे वीर रल के एक बड़ा पक्ष हुंदा ने, ते आम असी गुरपुरबां ते समागम करते हैं। मैं कहना परिवार ने अपने बेटे की याद में गुरबाणी का यह प्रचार, गुरु के उपदेश का यह प्रचार संगतां ते सहयोग नाल कराया। सानू सारयां नूं कुछ सीखण की जरूरत है कि अपने मन नूं ढेंदी कला च ना जाण दिओ, चढ़दी कला च रखो। सारयां दा धन्नवाद। सारी संगत दूरां नेड़ियां तों चल के आए हो, तुसीं बहुत सद्दे पत्र ते आए होणगे, बहुत संगत बिना सद्दे पत्र तों वी आए होएगी, चंगी गल है, क्योंकि आपां रल मिल के इस समागम नूं वड्डा करन की कोशिश कीती है, ते बहुत कुछ असीं गुरु दे उपदेश द्वारा सीखण दा यतन करांगे। सारयां दा धन्नवाद, मीडिया वाले वीर, जिन्नियां भी संगतां रल के आईआं जे, ते शुकराना मालक दा जिन्हां ने सानूं उद्दम चाओ प्रेरणा बख्शिश कीती। गुरु की गोद विच बैठ के असीं हर एक पल नूं गुरु की विचार मुताबक बतीत करन दा जिहड़ा है वह कोशिश समा कर रहे हैं। अदो सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बहुत प्यार नाल संगत जी आखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुणा का होवे वासला, गुणा का होवे वासला, कड़वास ली जाए, जे गुण होवन सा